बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। अपनी रोटी रोजी के लिए अपने राज्यों को छोड़कर तो दूसरे राज्यों के बड़े बड़े शहरों में कस्बों में गए हुए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि जब इनको वहाँ पर वहाँ की सरकारों ने इनके ठहरने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था नहीं की तो इनको मजबूरी में अपने मूल राज्यों में वापस आने के लिए आना पड़ा, आने के लिए उनको सोचना पड़ा। लेकिन केंद्र और राज्यों की जो सरकारें उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि ऐसे में तो उनके लिए उनको उनके जो मूल राज्य हैं तो वहाँ भेजने के लिए जहाँ के वो रहने वाले हैं तो केंद्र और राज्यों को उनको भेजने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की। मैं बार बार इस बात को कहती रही केंद्र और राज्यों को, तो जो प्रवासी मजदूर लोग हैं तो वो जब अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो उनको भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए, वो मजबूरी में जाना चाहते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें कहती तो रही कि हम कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ अभी रिसेंटली कुछ स्पेशल ट्रेनें भी श्रमिकों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन उसमें भी बराबर लोग नहीं जा रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे टिकट लिया जा रहा है, पैसा वसूला जा रहा है, कुछ लोग बीच में दलाली कर रहे हैं। तो बेचारे जब उनके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से वो टिकट लेंगे, तो वो पैदल वो जा रहे थे। लेकिन इस दौरान पूरे देश में कई हादसे हुए हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, लोग मौत के मुंह में चले गए हैं, कई एग्जाम्पल हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि अभी कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया मीडिया में कि जो भी मजदूर लोग इधर आएंगे या यहाँ से गुजरेंगे दूसरे राज्यों में या इधर आएंगे यूपी में, तो जो अधिकारी लोग हैं तो वो उनको भेजने की, खाने की, उनके ठहरने की, उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। कल ही वो टीवी में चल रहा था और आज भी मैं सुबह देख रही थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश है, लगता है कि अधिकारी उसे गंभीरता से नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बहुत बड़ा हादसा हुआ। यदि सरकार के अधिकारी उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं तो वो चाय की दुकान पर जाकर चाय क्यों लेते, तो वहाँ से ट्रक जा रहा था, ट्रक ने उनको रौंद दिया जिसमें लगभग 24 लोग मौके पे मर गए और काफ़ी लोग घायल हो गए। बहुत बड़ा ये हादसा हुआ उत्तर प्रदेश में। तो लेकिन अधिकारी लोग अपनी जिम्मेवारी को ऐसा लगता है वो निभा नहीं रहे हैं। तो यूपी के सीएम से मेरा यही कहना है कि जिन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी को बराबर नहीं निभाया है तो उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, और जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए घायल डेड बॉडीज़ को जो है सुरक्षित उनके घरों में, अब तो बेचारे मर गए मतलब, तो कम से कम उनके परिवार के पास उनको भेजे और उनकी पूरी आर्थिक मदद भी करें। और उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनके भी, और जिन राज्यों के अन्य राज्यों के भी कुछ लोग उसमें मारे गए हैं उनके भी पूरी, वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी मदद करें, यूपी गवर्नमेंट भी मदद करें, केंद्र की सरकार को भी मदद करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है तो मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, और केंद्र और राज्य सरकारों से और रेलवे विभाग से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रवासी मजदूर हैं तो उनको भेजने के लिए उनको गंभीर होना चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय, घिनौनी राजनीति करने की बजाय इसकी आड़ में, तो उनको पूरी ईमानदारी निष्ठा से उनके घरों में भेजना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। तो कभी बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कभी कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है, ये ठीक नहीं हो रहा। श्रमिक मजदूरों के नाम पर जो भी जो श्रमिक लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनके नाम पर जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है।
जबकि कांग्रेस को भी चाहिए सेंटर और राज्यों की सरकारों को, जिसमें आप देखेंगे कि पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, इधर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं। तो लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो उनको देखना चाहिए। कल मैं देख रही थी सहारनपुर के में जो जमुना है उसके सहारनपुर में, तो हरियाणा और पंजाब से लोग पानी में से निकल रहे हैं। तो वहाँ की जो सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की है या कांग्रेस की है, उनको उनको सुरक्षित भेजना चाहिए। लेकिन इस ओर इनका ध्यान नहीं जा रहा, आरोप पड़ते आरोप लगा रहे हैं, चाहे रेलवे विभाग है, केंद्र है या राज्यों की सरकारें हैं। मैं समझती हूँ उनको इसकी आड़ में, ऐसे संकट की घड़ी में, इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति करने के बजाय तो जो श्रमिक लोग हैं उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, और इसमें हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। और यूपी के सीएम से भी यही कहना है कि जो वो दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं वो सख्ती से उनको ज़मीनी हकीकत में उनको इम्प्लीमेंट कराए। और सेंटर से भी यही कहना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अभी रिसेंटली तो प्रधानमंत्री जी ने जो स्पेशल पैकेज जारी किया है, जिसकी डिटेल में पूरी जानकारी वित्त मंत्री जी दे रही हैं पिछले कई दिन से। मजदूरों के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए। केवल पेपरबाजी से या दिशा निर्देश जारी करने से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ, आए दिन घटनाएं हो रही हैं, और जो मजदूर लोग हैं, जो केंद्र और राज्यों की सरकारों की उपेक्षा की वजह से दिशा निर्देश तो जारी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, वो बेचारे मौत के मुंह में जा रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और ऐसे में उनकी पूरी मदद करनी चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मेरा ये भी कहना है। और दूसरा क्या है कि ये जो मजदूरों से भी मेरी अपील है, जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जिन जिन राज्यों को छोड़कर वो अपने राज्यों में जा रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि वो पैदल ना चलें, ट्रकों में ना जाएं, और वो बसों का, रेलगाड़ियों का इंतज़ार करें। और उनसे यही कहना कि पैदल जाने की बजाय तो जहाँ पर भी वो रहते हो उसके नज़दीक जो भी रेलवे स्टेशन पड़ता है तो रेलवे स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। तो फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों की मजबूरी होगी उनको भेजने की, तो पैदल चलने की बजाय, क्योंकि बहुत बुरा हाल है, लोग आए दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों का बहुत बुरा हाल है, जो महिलाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उधर पेड़ के नीचे वो बेचारों उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं। और सरकार ने ये भी नहीं सोचा, कई जगह के एग्जाम्पल हमारे सामने है कि उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, लेकिन एक वाक़ा तो ऐसा है कि आज बच्चा पैदा हुआ, एक दिन के बाद वो बेचारी पैदल जा रही है। ये मैं समझती हूँ मानवता, इंसानियत भी थोड़ी होनी चाहिए केंद्र और राज्यों को। मेरा यही कहना है कि जो भी आप गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं ख़ास तौर से प्रवासी मजदूरों के लिए, उसको ज़मीनी हकीकत में आप इम्प्लीमेंट कराएं। और इस समय सभी पार्टियों से मेरी अपील है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तो इनकी मदद करनी चाहिए, और इनको पूरा उनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इसकी आड़ में कोई घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार से भी, रेलवे विभाग से भी यही कहना है कि इनको गंभीर होकर तो इनको जरूर इनके सुरक्षित इनके स्थानों पर भेजना चाहिए, और जब ये चले जाएं तो वहाँ पर भी इनके खाने की पूरी उचित व्यवस्था जिस भी राज्य के लोग हैं वहाँ के राज्यों की सरकारों को करना चाहिए। तो ये जो घटना घटी है औरैया में, यूपी के औरैया में, कल तो मैं समझती हूँ बड़ी दुखद है, इससे पहले भी घटनाएँ घटी हैं, आए दिन घटनाएँ घट रही हैं। मैं समझती हूँ कि ये नहीं घटें तो सरकारों को, केंद्र और राज्यों को, रेलवे विभाग को भी मैं समझती हूँ कि ये पूरा इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो घटना घटी अति दुखद है, इससे सबक केंद्र को भी लेना चाहिए, सभी राज्यों को भी, सरकारों को सबक लेकर आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो इस घटना को लेकर हमारी पार्टी बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। और आए दिन जो टीवी पर जिस तरीके के वाक़े आ रहे हैं, मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, मैं समझती हूँ उसको देखकर बहुत ही तकलीफ़ हो रही है।
अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो अपनी पार्टी के लोगों को बोला है कि भाई जो सामर्थ्यवान लोग हैं जितने आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करो, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है, जितना वो कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों को भी मैं समझती हूँ कि उनको भी ईमानदारी निष्ठा से इनकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।